दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में हो रही गाली गलौज, पार्किंग के नाम पर लूट रहे वाहन ठेका कर्मी परिजनों को। जी हां, आपको बता दें, उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान महाराणा भोपाल चिकित्सालय, जहां रोजाना ग्रामीण इलाकों व शहरी क्षेत्र से कई ग्रामीण लोग अपने व परिजनों के इलाज के लिए वहां पहुंचते हैं। सोचिए, जब आप अपने अस्पताल में भर्ती मरीज से मिलने जा रहे हैं और पार्किंग में ही विवाद हो जाए तो कैसा महसूस हो करेंगे। जी हां, आप और हम बिल्कुल इस बात को ज़रूर समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति पहले से ही परेशान है और उसे अस्पताल में प्रवेश करते ही पार्किंग वालों से माथापोड़ी हो जाए तो उसे परिजन पर क्या बीतती होगी। दरअसल घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि अस्पताल परिसर में वाहन पार्किंग के नाम पर ज़बरदस्त अवैध वसूली की जा रही है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन बता रहे हैं। सेक्टर 3 निवासी हरीश वैष्णव अपने पिताजी, जो कि दमे की बीमारी से पीड़ित हैं और वह वहां भर्ती हैं, इस सिलसिले में हरीश अपनी पत्नी के साथ कार से गए थे, तभी वाहन पार्किंग में खड़ा करके चले गए। कुछ घंटों बाद लौटे तो 30 रुपये पार्किंग चार्ज लेने के बजाय मरीज परिजन से 100 रुपये की डिमांड की गई, जिस पर हरीश वैष्णव ने यह बात लेक सिटी न्यूज़ को बताई। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा हरीश वैष्णव ने पार्किंग के नाम पर। हेलो हेलो, हरीश वैष्णव बोल रहे हैं? हाँ जी। हरीश जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ लेक सिटी न्यूज़ से। हाँ सर, बोलिए। क्योंकि आप वो अपने पापा से कब मिलने गए और कब उसने ठेकेदार ने आपसे 20 रुपये की जगह 100 रुपये लिए? सर ये मैं तो 12 दिन से डेली आ रहा हूँ। हाँ, 12-13 दिन पापा ही भर्ती है। अच्छा। लेकिन उसने एक दिन तो रात को लिए थे, दिन को लिए थे मेरे से। हाँ। और एक बार और लिए थे, और आज भी जैसे 30 रुपये की, 30 रुपये लगते हैं उसके, आज भी 50 रुपये लिए। नहीं, वैसे 20 रुपये की पर्ची है, कार जीप कुछ भी आप खड़ी करो, 30 रुपये भी रेट नहीं। हाँ, तो आज भी उसने 50 रुपये लिए, वो पर्ची मेरे पास पड़ी, आज भी लिए। अच्छा, तो ये अभी हॉस्पिटल में ही जी। किस जगह गाड़ी खड़ी की थी ये सर? ये एमरजेंसी के बाहर। एमरजेंसी के बाहर जी। और जिस व्यक्ति नाम से पैसे दिए उसका क्या नाम है? उसे सर नाम मैं जानता था, उसने मैं बात की तो वो क्या मुझे डर रहा था, उसने उसका नाम बताया राकेश सोनी, बोले मेरा राकेश सोनी नाम है। अच्छा, तू जो कर सकता वो कर ले। तो उसने किसके कहने पे पैसे लिए जी? किसके कहने पे उसने 100 रुपये लिए आपसे यूं? कहने पे क्या, वो बोले डॉक्टर साहब ने बोला 2-3 दिन से रेट बढ़ गई हमारे, 100 रुपये रेट हो गई है। दूसरे ओर से पार्किंग वाले हैं ना। हाँ। उनसे मैंने बात करी, बोले भैया 50 रुपये 100 रुपये मत देना, 50 रुपये की 24 घंटे की 50। अच्छा अच्छा, दी तो आपने पूछा नहीं क्या किस डॉक्टर साहब ने कहा पैसे निकले? सर वो तो गाली क्लोज करने लगे, वो हमेशा ये आदमी सर, रात को आप 8 बजे भी आओगे कभी भी आओगे तो यार शराब पी मिलेगा आपको। तो सर मैं 10 बजे से डेली आ रहा हूँ यहाँ से। तो आपके सर हाथापाई तो नहीं की ना? हाथापाई नहीं की सर, मुँह से गाली क्लोज की, और सर जख्म मतलब मैं कार के अंदर बैठा हुआ था, मेरी वाइफ भी गाड़ी के अंदर ही थी। अच्छा। तो मैंने बोला मेरा पर्ची से भाई मुझे पर्ची चेक करनी है। तो आपने अधीक्षक को शिकायत की क्या, अस्पताल अधीक्षक को इस बारे में? जी नहीं सर, सर मैंने पिछले बुधवार को भर्ती किया था, तारीख मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा। पिछले बुधवार यानी कल बुधवार आएगा, 15 दिन हो जाएंगे वापस। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से जानकारी मिली है कि पार्किंग घाटे में चलने के कारण कोटा के एक ठेकेदार ने कुछ माह पूर्व ही ठेका सबलेट करके चला गया है। अब 4 पार्टनर हैं जो अपने अपने हिसाब से ठेका चला रहे हैं। वहीं नियम यह कहता है कि पार्किंग की पर्ची इलेक्ट्रिक मशीन से ही काटी जाए, जिसकी बजाय हाथ से पर्ची बनाई जा रही है। जनता ही बताए आखिरकार ऐसे लोगों का क्या किया जाए। दूसरी तरफ लेक सिटी न्यूज़ MB अस्पताल के प्रबंधन से यह कहना चाहता है कि ऐसे लोगों की क्लास जरूर ले, ताकि वहां आने वाले मरीज व उनके परिजन यहां से जाते वक्त अच्छी यादें रह जाएं, ना कि बुरी। हां सर, क्या हुआ आपके साथ और क्या नाम आपका बताइए? सर मेरा नाम हरीश वैष्णव है, सेक्टर 3 में रहता हूं मैं। मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती है सर 12-13 दिन से। क्या यहां पर आना पड़ता है पापा की देख रेख के लिए? हां सर, यहां पार्किंग के नाम पर सर अवैध वसूली चल रही है। हां, जैसे कार लेके आते हैं उसकी पार्किंग सर 30 रुपये ही है। हां, और अगर 24 घंटे अगर अपन सर गाड़ी खड़ी कर रहे तो 50 रुपये पार्किंग है। 50 वो बोलते हैं भाई, उसके अंदर 30 रुपये लिखा हुआ है। आपसे कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 100 रुपये। कितने टाइम से 100-100 रुपये लिए जा रहे हैं आपसे? सर ये मेरे से गाड़ी कार सर मैं 1-2 बार ही लेके आया हूँ। हाँ सर, मैं स्कूटर लेके आता हूँ। अच्छा, तो जब भी मैं कार लेके आता हूँ तब मुझे एक बंदा मिलता है,
बोलता है सर ये फोर वे पार्किंग चाहिए। क्या नाम है जिस बंदे का? ये बंदे का सर उसने खुद मुझे नाम बताया, मैं नहीं जानता नाम क्या, मैं नहीं जानता था। क्या नाम बताया? बोला मेरा नाम राकेश सोनी है। तो क्या कर लेगा, जा देखो जो करना है तो कर लेना। क्यों गिरा हुआ आपको? क्यों गिरा हुआ सर, रात को 8 बजे मैं टिफिन देने के लिए आया था, मेरा बच्चा मेरे साथ में था, तो मैंने बोला तू टिफिन दे के मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही थी, ताकि सर 8-9 बजे की बात है। तब वो बच्चा टिफिन देने के ऊपर गया, उसे फुल उसने सर वो शराब पी रखी थी। मेरे पास आया भैया पार्किंग, मैंने कहा भैया जा रहा हूँ मैं, 1 सेकंड के लिए खड़ा हूँ, बच्चा टिफिन देने गया वापस आ ही रहा। बोले नहीं गाड़ी बाहर निकाल, गाड़ी अंदर निकाल, गाड़ी अंदर खड़ी करेगा मुझे 50 रुपये चाहिए। अच्छा, खड़ी करने के 50 रुपये चाहिए। मैंने कहा भैया टिफिन देके आ रहा बंदा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। बोले अंदर खड़ी कर सकता, गेट के बाहर निकाल गाड़ी। अच्छा, कौन सी पर्ची कटाई दिखाई, दिखाओ आपके। सर ये पर्ची कटाई मैंने, उस दिन रात की पर्ची है सर ये, उस दिन सर उसने मेरे फिर 50 रुपये लिए। अच्छा, और आपके यहाँ कौन परिजन आपके यहाँ अंदर भर्ती है? सर मेरे पापा भर्ती है 105 नंबर वार्ड में, 8 नंबर 9। पर्ची इस साइड से घुमाओ देखे। अच्छा, क्या कह रहा हम तो हम कह रहे हैं क्या सर, अभी सर अभी जैसे अभी वापस आया मैं आज सर, क्या स्कूटी मेरा बच्ची लेके चली गई कॉलेज, तो हम दोनों वाइफ दोनों कार लेके आए। तो कार में सर पहले पुराना जो आउटडोर था वहाँ में कार, उसने बोला यहाँ पे गाड़ी लगा दो, वहाँ गाड़ी खड़ी करने लगा, वहाँ पे सर काम चल रहा है आउटडोर का। और कितने दिन हो गए आपसे 100-100 रुपये ले रहा है सर? 100-100 रुपये सर मैंने दो बार ही लिए, वरना सर मैं कार लेके आता ही नहीं, अगर मैं वो स्कूटी लेके आता, इतना पैसा भी नहीं अपने पास, कार लेके आता। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? सर नाम सर हरीश वेस्टन। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।